गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑल राउंडर। और मैंने अभी शुरुआत कर दी है, सोच रही थी नहीं करूँ क्योंकि आप लोग देखते नहीं, तो मेरा ऐसा जी हो रहा है कि अभी छोड़ ही दूँ। तो फिर मैंने सोचा नहीं चलो, तो ये 10 बजे का समय डिंकी को है ना, मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी और यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, तो ये जो ब्लू बेडशीट दिख रही है ना वो थोड़ी फटी थी, तो मैंने वही रहने दी और इसके ऊपर ये डाल दी। तो ये देखिए मैं बेडशीट है ना, मैं ये काम तो डिंकी करती है, मेरे को बहुत कठिन लगता है ये काम, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि ये जो दीवान है उसको जोड़ के मैंने तकत, क्योंकि बड़ा मतलब हम चारों यहीं पर रहते हैं तो ये बड़ा था, तो इसलिए वो बीच में गैप पड़ती है ना, तो वो थोड़ा सा मुझे लगाने में है ना दिक्कत हो जाती है, सिलवटें आ जाती है और मुझे बिल्कुल फिनिशिंग चाहिए। और ये देखिए मैं घर दिखा रही हूँ आपको मेरा कैसे दिख रहा है, तो ये देखिए मेरा हो गया फाइनल। तो अभी बज चुके हैं 5 और है ना अभी चाय हो गई थी मेरी वाली, और मैंने सुबह से बस आपको आपके 10 बजे मैंने बेडशीट जो चेंज की थी वही दिखाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी रूटीन नहीं दिखाया, डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ। तो है ना अभी मन ही नहीं होता है कुछ मतलब ये करने का, और आज मौसम बहुत अच्छा है, मतलब बारिश नहीं है आज, और बारिश नहीं है और सिद्धार्थ जी महाराज जी देखिए कैसे कुछ चेयर पे सोते और चाय हो गई है, और अभी मेरी आई गई है मेरी छोटी नंद के आदि, तो कल आए थे इतने बजे आए थे बाद और लेके गए, 2-3 दिन रहेंगे। पीयू भी गई है क्योंकि मम्मी भी गई है, और डिंकी परी सोई है, अब कैसे दिखाऊँ डिंकी परी, ये देखिए परी सोई है, स्कूल से आते हैं ना थक जाते हैं, और डिंकी भी सोई है, तो अभी सोचती हूँ क्या दिखाऊँ क्या शेयर करूँ आपके साथ, तो सोचती हूँ। और आज मैंने कान के नहीं पहने हैं क्योंकि जो छेद है ना लंबे लंबे होते जा रहे हैं, मैं शुरुआत से जब स्कूल में थी ना तब से मैंने बड़े बड़े लंबे लंबे ईयर रिंग्स पहने थे ना, तो उससे क्या हो रहा है मेरे कान है ना थोड़े लंबे लंबे छेद जा रहे, तो मैंने सोचा कि अभी 2-3 दिन घर में रहना, कहीं जाना नहीं तुम्हें, अभी कुछ भी नहीं एक ये। तो अभी चाय हो गई है और थोड़ी रेस्ट भी की थी मैंने, बहुत थकान सी लग रही थी, तो ये देखिए सूजा सूजा सा फेस दिख रहा होगा मेरा वाला, थोड़ा सा स्वेलिंग दिख रही होगी, तो बस हो गया है, फिर आपको मिलती हूँ बाद में। तो आज का कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, और यहाँ पे फिर मैं ये देखिए मैं यहाँ पे है ना एप्पल काट के दे रही, डिंकी परी सो के उठी थी, हमने चाय पी लिए थे, तो इन लोगों की मेरे हेयर भी आपको दिख रहे होंगे ना, तो मैं क्या करती हूँ जब नहाती हूँ तभी मैं एक बार फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल का आईना देखती ही नहीं हूँ, मेरा यही मैं मेरा पार्लर है, फिर भी मैं खुद से मतलब ऐसे नहीं देखती हूँ। और यहाँ पर मैं डिंकी परी को एप्पल काट के दे रही हूँ, कल संडे था तो सिद्धार्थ जी ले आए थे, और बच्चों को ना एप्पल ही पसंद है तो वो एप्पल ही ले आते, अगर एक बार बच्चों ने एप्पल खा ले तो वो वही ले आएंगे जब तक उनका मन नहीं होता, अगर एक बार वो अंगूर खा ले बच्चे तो वो अंगूर ले आएंगे, तो ऐसे हमारे पति जी का मतलब ये है, मतलब जो चीज़ वो खाएंगे वही फिर पूरा वही लाएंगे जब तक मन नहीं उतरता, इस टाइप का। फिर उसके बाद फिर मैं इधर किचन में आ गई, और यहाँ पे है ना मैं आलू मटर जो फ्राई किए थे वो इस पर डाल दूँगी, पहले मतलब बगार रही हूँ, तो ये मैं रेसिपी नहीं दिखाई, पहले पकाई उसके बाद फिर मैं और थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, तो इस टाइप का ये डिब्बे में निकाल के रख दिए थे मैंने। और इधर थोड़ा सुबह का है ना चावल मैं फेंकती नहीं हूँ, आपको तो पता है कि मैं अनाज बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, उसका कुछ ना कुछ यूज़ कर लेती हूँ, तो ये थोड़ा सा चावल बचा था तो इसको है ना तेल में फ्राई कर रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये चावल, तो सुबह का रात को कोई ख़राब नहीं होता है मेरे ख्याल से। और ये चौचलेबाजी है जो फेंकते हैं भाई, इसी के लिए तो पति सुबह से जाते पसीना बहाते हैं, तो ये फेंकना मैं नहीं समझती हूँ, या फिर अपन खाओ या फिर गाय को खिलाओ या फिर किसी गरीब को दे दो, ये मेरा कहना है, लेकिन फेंको मत मेरा ये कहना है, तो इतना जितना भी बचा वो खा लेना चाहिए, तो मैं ये फेंकती नहीं हूँ, और ये तो बिल्कुल नहीं फेंकती, मैं तो भी थोड़ा चौनी बाजू। उसके बाद फिर ये धनिया है ना, कल ये मार्केट से 10 बजे आ
आ गए थे तो मैं भूल गई कि धनिया तोड़ के रखना है। तो ये देखिए इसमें है ना थोड़ी मिट्टी मिट्टी हो गई, तो ये मैं तोड़ के रख दूँगी और धो धा के है ना सुखा के फिर फ्रिज में रख दूँगी। और धनिया हर चीज़ में हम लोगों को चाहिए, पोहा तो हमारा बेस्ट है धनिया के। और क्या है सुबह से डिंकी परी को करना जे मतलब टिफिन वगैरह देना पड़ता है ना, तो उसके लिए सब चीज़ें होना ज़रूरी रहता है क्योंकि स्कूल जाती है तो बच्चों को परफेक्ट देना। वैसे तो मैं पराठे पूड़ी ये ज़्यादा ही देती हूँ, और मतलब पोहा वगैरह क्या ठंडा हो जाता है तो घर से ही खा के जाते हैं। तो आज थोड़ा सा लेट हो गए थे तो यहाँ पे मैं धनिया ना रख दूँगी। और बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, 2:30 बजे आते हैं तो पूरी ज़िंदगी अब वैसे जैसे लगता है कि पटरी पर आने लगी है। और फिर हम सबका डिनर हो गया था, उसके बाद फिर मैं ना यहाँ पे अब सोने जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो अभी यहाँ पे है ना डेली मैं अपना जैसे रात को नाइट रूटीन स्किन रूटीन कर लेती हूँ तो यहाँ पे मैं अपना जो दिन भर का मेकअप है वो निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे है ना क्लिंजर मेक यूज़ कर रही हूँ मैं, तो क्लिंजर मेक लगा के बस डस्टिंग निकाल दूँगी, हो गया थोड़ा सा मसाज कर लूँगी। तो ये करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो कैसे क्या है जो ब्लैकेट्स वगैरह है वो जो डार्क सर्कल वगैरह जो स्पॉट है ना आपके जाइया वगैरह तो वो नहीं दिखते, मेरे वैसे हो जाती है जल्दी से। तो ये देखिए थोड़ा सा मसाज करके ही सोती हूँ मैं डेली, तो ऐसा है। और डेली तो मैं शेयर नहीं कर सकती। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मेरे है ना आईब्रो है ना बढ़ गई, तो मैं जो आईब्रो रिमूवर जो पेंसिल ये है उससे है ना जो ये है उससे मैं मशीन से ही उनका निकाल दूँगी। तो उनको दर्द नहीं हो रहा, धागे से बहुत दर्द होता है और ये बहुत फैशनेबल है, इनको पूरा ये भी ज़रूरी है। तो इनको है ना थोड़ा सा आईब्रो भी ज़रूरी है निकालना, और हमेशा फेशियल वगैरह करते रहते हैं। पहले कॉलेज के ज़माने से इनको मेरे से ज़्यादा ये रात को है ना अपनी स्किन केयर करते रहते हैं, जब सोते तब फेस वॉश करके क्रीम लगा के ही सोते। तो बोल रहे तूने किया तो मुझे भी निकाल दे, तो मैं ये देखिए निकाल दे रही, बोल रही बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, ये अच्छा है। तो इनके लिए सही है, मेरे लिए तो धागा ही सही है। तो ये मैं आपको रिव्यू भी दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल क्लीन और मस्त निकला है गाइस। तो ये देखिए बहुत खुश हो गई है, और उनको बोल रही कि हाथ निकाला और वो और हाथ वैसे लगा रहे थे। तो ऐसे है, उनको है ना हमेशा मतलब नीट एंड क्लीन रहना अच्छा लगता था, लेकिन क्या करें अभी काम करना भी ज़रूरी है। अगर क्लीन एंड नीट रहेंगे तो हमको कैसे खिलाएंगे कैसे खा ये करेंगे, तो इसलिए अब उनकी थोड़ी शान कम हो गई है, ऐसा ही है। तो ये देखिए उनकी क्लीन हो गई है और बस पेपर पढ़ेंगे और फिर हम सो जाएंगे, हमारा ये रूटीन है। तो गाइस प्लीज़ हमारा है ना वीडियो देखा कीजिए और हमें भी आगे बढ़ाइए। तो गाइस यहाँ पे है ना मेरा हमारा डिनर हो गया है। डिनर में मैंने गोभी आलू जो बताई थी ना, दाल चावल और रोटी ये बना ली थी और खा ली हमने। और है ना बर्तन नहीं मांजे, मैं सुबह ही मांज लूँगी क्योंकि अभी बारिश आ चुकी थी तो बाहर है ना डर मुझे डर लगता है। और हमारा बेसिंग नहीं है, इस क्वार्टर में बेसिंग बना के नहीं दिए तो बाहर है ना थोड़ा सा मुझे डर लगता है साफ ऑफ का। तो वो बाउंड्री ना हमारी थोड़ी टूटी है और पेड़ है तो मतलब डर लगता है कीड़े मकोड़े आने का, बाकी कुछ नहीं है। तो मैंने बर्तन नहीं मांजे है, बर्तन सुबह ही जैसे ही नलाएगा मांज लूँगी सुबह ही, कभी कभी रख देती हूँ कभी कभी ये करती हूँ, लेकिन बाहर जाके रख दिए मैंने एक मतलब पानी वगैरह धो के ऐसे रख दिए है। और फिर डिंकी सुबह उठना पड़ता है आजकल, डिंकी पर स्कूल जाने लगी है तो फिर बर्तन वर्तन करके फिर उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है और टिफिन वगैरह दे के। तो अब हो गया है, डिनर भी हो गया है और मैंने अपना फेस क्लीनअप भी कर दिया है, मतलब जो भी सुबह डस्ट वगैरह जो मेकअप वगैरह रहता है ना वो रात को निकाल के सोना ज़रूरी है क्योंकि है ना नहीं तो फिर वो ऑयल है ना इस पर सुबह मेरे ऑयल स्किन है तो सुबह उठते से यहाँ पे ऑयल ये हो जाता है। तो स्किन की अगर मैं केयर नहीं करती हूँ ना तो मेरी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है जल्दी, ऐसी मतलब ऑयली स्किन है तो वैसी ख़राब है ऊपर से, और अगर केयर नहीं करूँ तो हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा रात को ना क्लिंजिंग मिक्स से साफ करके है ना फिर सो जाती हूँ, कभी एलोवेरा जेल लगा के कभी कुछ मतलब कभी जैसे चावल काटा कभी बेसन ये करके, लेकिन मैं ज़रूर साफ करके सोती हूँ, कभी आलस आता है तो रहने देती हूँ। और डिंकी भी बैठी है, पढ़ाई हो गई है, परी पढ़ाई कर रही थी अभी उठ गई है परी पढ़ाई से, और सिद्धार्थ जी पेपर उनका ये समय है, उनको दिन में समय नहीं मिलता है पेपर पढ़ने, वहाँ से फिर 3 बजे आते हैं नहा के फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर 6 बजे उठते हैं चाय वाय, फिर बच्चे उठे बच्चे बताते हैं ये लाना है पापा वो लाना है, जैसे जैसे कि ये बुक लाना है तो ये लाना है, जैसे स्कूल चालू है पेन लाना है बुक्स लाना है कॉपी लानी है, तो ये तो फिर उनको टाइम नहीं मिलता है इसलिए वो आराम से सोते समय पढ़ते हैं।
तो बस वीडियो का एंड करना था, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।